नंबर्स काउंट डाउन एंड अलाइन एनिमेशन। तो गाइस ये तो एनिमेशन जो है ये काफ़ी वीडियो आपने देखा ही होगा। क्या नहीं देखा है? तो कोई बात नहीं, तो अब देख लो। सो देख लिया, तो अब ये भी देख लो कि इसको आप प्रीमियम प्रो में बना कैसे सकते हो। लेकिन इसको देखने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को भी देख लेना, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट फाइल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, आप खुद बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि प्रीमियम प्रो में हम इस तरह के एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया और सारा प्रोजेक्ट फाइल जो है हमें चाहिए वो सभी हमने लगभग यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे नंबर लिखते हैं। सबसे पहले हमने नंबर काउंटिंग वाला इफेक्ट जो है आपने देखा इंट्रो में, वो चीज़ बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टैक्स वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करोगे, और मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे 1 फिल किया, फिर इंटर प्रेस किया, फिर 2 फिल किया, फिर इंटर प्रेस किया, फिर इसी तरह से आप जो है यहाँ पे आप 9 तक जो है नंबर लिख लोगे। और यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो 1 था हमारा, यहाँ पे पहले 0 से स्टार्ट करोगे आप। सबसे पहले आप 0 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेते हैं, जितना छोटा रखना चाहते हो इसको उतना छोटा रख लोगे। इसको हमने थोड़ा राइट हैंड साइड रखना है, क्योंकि हमने एक और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। और हमने क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्ट प्रेस करोगे और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लोगे, और यहाँ पे उसको भी आप सामने रख दोगे। और यहाँ पे एक चीज़ करोगे, क्या ये 9 है ना, इसके बाद एक और 0 आपने एंटर प्रेस करना है और जो है 9 लिख देना है। सब नंबर आपका बराबर रख लोगे। अब यहाँ पे आपका काम शुरू होता है। अब स्लाइड बार को थोड़ा आगे लेके आओगे, यहाँ मतलब आगे लेके आओगे, मतलब थोड़ा बहुत ही ले आना है, ज़्यादा नहीं, आप 10 से 15 फ्रेम जो है आगे रखना है इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और इसको ऊपर करेंगे, और ये जहाँ ये 30 लिखा हुआ है यहाँ पे 30, यहाँ पे 0 ले आके रख देंगे, जो ऊपर एनिमेट यहाँ पे 0 जो है 3 के सामने रखेंगे, ठीक है। हमें 23 जुलाई चाहिए, तो हम थोड़ा ये जो ऊपर वाला भी है उसको भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जाके ये सेंटर में है, सेंटर में हमें चाहिए, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सेंटर, तो यहाँ पे रख लेते हैं, और ऊपर वाला जो है उसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ आपने रखना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे पोजीशन और स्केल को ऑन कर देना है, ऊपर वाले भी लेयर में पोजीशन और स्केल को ऑन कर देना है। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में आएंगे, स्लाइड बार को स्टार्टिंग पॉइंट में लेके आएंगे जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है, इसको जो है ऊपर कर देंगे, यहाँ पर जो है ऊपर कर देंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है उसको हम नीचे कर देंगे, यहाँ पर नीचे कर देंगे, चाहे इसको और नीचे करना चाहते हो और नीचे कर दोगे, और इसको जो है और ऊपर करना चाहते हो तो ऊपर कर दोगे। तो आपका एनिमेशन कुछ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे आप इस टाइप का एनिमेशन तो आपको बन गया। अब हमने क्या करना है, बाकी चीज़ों को हाइड करना है, ताकि जो हमारा डेट वाला काउंटिंग जो बॉक्स है उसके अंदर ही शो होना चाहिए, डेट बाहर नहीं शो होना चाहिए। तो उसके लिए आप इन चीज़ों को मास्क करोगे। तो मास्क करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इस जो दोनों लेयर हैं इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पे इन दोनों को नेस्ट कर लेते हैं। इनको दोनों को नेस्ट कर लिया, अब यहाँ से हम इसकी ऑपसिटी जहाँ लिखी हुई, यहाँ से हम ये बॉक्स बनाना यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसको मास्क कर लेते हैं। हमें जो डेट चाहिए वहाँ पर हम जो है उतना हिस्सा मास्क कर लेंगे जितनी डेट हमें चाहिए, जैसे 30 चाहिए यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम इसको मास्क कर लेंगे। इसको आप अच्छे से मास्क कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम करके और अच्छे से मास्क कर लेता हूँ, इसको 100% जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लगे कैसे मास्क करना है। यहाँ पे इसको अच्छे से मास्क कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, तभी आपका जो एनिमेशन अच्छा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेदर का ऑप्शन है, हम हल्का सा इसमें फेदर ऐड कर देंगे,
बाकी नंबर नहीं दिखना चाहिए। देखो कुछ नंबर दिख रहा है, ये वाला नहीं दिखना चाहिए, बहुत दिखे तो हल्का फुल्का ना के बराबर, या फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे फुल फिट कर देते हैं एंड फाइनल। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो एनिमेशन आपको आपको दिख गया है, नंबर काउंटिंग वाला एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे मेरे पास साउंड इफेक्ट भी बने हैं पड़े हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम साउंड इफेक्ट भी साथ साथ लगाते रहेंगे। तो ये रहा हमारा साउंड इफेक्ट, तो इसमें वॉइस काफ़ी कम है, तो हम इसका वॉइस जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर मैं वॉइस गेन कर रहा हूँ 10, और यहाँ पे हम कहाँ रखेंगे, जहाँ पे हमारा काउंटिंग ख़त्म हो रहा है ना वहाँ पे, यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में, जहाँ पे आपका काउंटिंग ख़त्म हो रहा है यहाँ पे हम इतना क्रॉप कर लेते हैं। अब हम एक और टेक्स्ट लिखेंगे, इसको चाहे तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे जुलाई 2024। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे डेट, और इसको यहाँ पे एकदम सामने रख लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो अब यहाँ पे काउंट जैसे ही हो रहा है, अब ये जैसे काउंट हो रहा है उसके बीच में ही हमने जो है इसको लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही काउंट हो रहा है मतलब आखिरी पॉइंट पर एकदम लगाना है। तो ये देखिए, ये काउंटिंग वाला आपका इफेक्ट जो आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे, जूम करेंगे तो इसको ऐसे, और इसको इन दोनों लेयरों को फिर से सेलेक्ट करेंगे और इनको नेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ओके करते हैं, ये नेस्ट हो गया हमारा, ये देखिए ये नेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये काउंटिंग ख़त्म होती है उसके बाद यहाँ पर हम इसमें जो है टोंगल एनिमेशन को ऑन कर देंगे पोजिशन वाले को, और इस थोड़ा सा आगे आके इसमें जो है इसको थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से जूम कर लोगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से जूम कर लोगे, उसके बाद हमारा अगला काम शुरू होता है, लाइन एनिमेशन वाला जो है ये वाला काम शुरू होता है। ये इतना काम होने के बाद, ये देखिए इतना काम हो गया आपका, उसके बाद हम यहाँ पे टोंगल जो है की फ्रेम लगा लेंगे, और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे चलते हैं रेक्टेंगल लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक जो है बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ से आपने बॉक्स बनाना है, जो बॉक्स बनाना है ना ऊपर की तरफ से आपने यहाँ से जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है वहाँ तक का एक बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे हम जो लाइन है जितनी पतली करना चाहते हैं यहाँ पर कर लेंगे। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे क्रॉप टूल सेलेक्ट सर्च करते हैं, क्रॉप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसके ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की है। अब इसको क्या करेंगे, एनिमेशन इसमें भी कर लगाएंगे, तो इसको क्रॉप करके एनिमेशन लगाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन डालेंगे, देखिए ये थोड़ा आया, ये जूम हुआ, उसके बाद हम यहाँ से जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ इसको ले जा कर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर जो है ख़त्म कर देंगे। तो कुछ आपको इस तरह का एनिमेशन इसके अंदर दिखेगा। तो ये काफ़ी तेज़ हो रहा है, इसको और स्लो करते हैं, ये लास्ट वाला की फ्रेम है इसको थोड़ा आगे कर देंगे बस, ये थोड़ा और जो है स्लो हो जाएगा। स्लो होने के बाद यहाँ पे आएंगे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा जो है ये लाइन लगी हुई है। अब यहाँ पे ये जो है ना क्रॉप में जाएंगे, टॉप वाले टोंगल एनिमेशन को ऑन कर लेंगे, इसको टॉप से जो है यहाँ से क्रॉप कर लेंगे, पूरा 100% जो है यहाँ से क्रॉप नहीं करना है। जैसे हमने आधे में डाला है तो ये 50% तक क्रॉप होगा। उसके बाद हम आगे आएंगे, यहाँ से नीचे वाले लेयर जो नेक्स्ट वाले लेयर है वो देख लेंगे, और इसमें आएंगे और इफेक्ट कंट्रोल में जाके जो लास्ट वाला की फ्रेम है ना वहाँ पे स्लाइड बार को लेके आएंगे, फिर ऊपर वाला जो लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम इसको ज़ीरो कर लेंगे, इसको ज़ीरो कर लेंगे, और इसका पोजिशन थोड़ा ऊपर, हाँ यहाँ पर। तो अब आपको इसके अंदर कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, लाइन एनिमेशन। अब हमारे पास एक सर्कल बनाना है, जैसे ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे हमने सर्कल बनाना है। तो यहाँ से हम ये रेक्टेंगल टूल पे जो है लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे लिफ्ट टूल आ जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे इस तरीके का, इसको सर्कल बनाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, लाइन मुझे काफ़ी जो है यहाँ पे जो है वो लग रही है, क्या नीचे लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगा। तो यहाँ पे पोजीशन वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे टोंगल एनिमेशन को ऑन कर लूँगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा जो क्रॉप वाला है जो लगाया था ना हमने, क्रॉप वाला जो आखिरी वाला की फ्रेम लगाया उसके जस्ट ऊपर आपने
पोजीशन वाला जो है और स्केल वाले की फ्रेम को लगा लेना है और थोड़ा सा आगे आना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आगे आना है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है, इसको थोड़ा ऊपर कर देना है। और ये सर्कल वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी लेयर पे हमारा सर्कल वाला जो है अलग से जो है लेयर क्रिएट नहीं हुआ, जो हमारा पहले वाला जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया था उसी पे ये बॉक्स वाला भी जो है क्रिएट हो गया है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे कोई लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इलिप्स टूल को सेलेक्ट करोगे और शिफ्ट दबा के आप जो है इस तरह का एक सर्कल बना लोगे, और सर्कल बनाने के बाद आप इसको जितना छोटा बड़ा कर सकते हो इसको छोटा बड़ा कर लोगे, जितना भी आपको रखना है। तो इतना ध्यान रहे, इसको आप शिफ्ट प्रेस करके जो है कोने के साइड से जो है छोटा करोगे। और ये वाला ही इतना याद रखना, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये सेंटर में होना चाहिए। अब इसको यहाँ पे रखेंगे और ये वाला सेंटर में एकदम, और इसमें चलते हैं और इफेक्ट कंट्रोल में आओगे तो शेप दिखेगा। इसके अंदर जाना है, आपने फिल वाले वैल्यू हटा लेनी है, स्टॉक वाला आपने उसको आपने टिक कर लेना, और इसका स्टॉक जो लाइन के अकॉर्डिंग जितनी चौड़ी आपकी लाइन है ना उसके हिसाब से आप इसमें स्टॉक डाल सकते हो और इसका पोजीशन वगैरह एडजस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपका काम शुरू होता है। यहाँ पर ये हुआ, ये गया। अब यहाँ पर ये सर्कल में ना जो है क्रोप हो, ठीक है, सर्कल में एनिमेट हो गया है, तो उसके लिए आप इफेक्ट में जाओगे और यहाँ पे आप इस बार सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च नहीं करना है, इफेक्ट ट्रांसमिशन पे जाना है और आयरिस यहाँ पे दिखेगा आपको ऑप्शन, इसके अंदर जाना है, आयरिस राउंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है लेयर पे, तो ये आपका इस तरह से दिखेगा। अभी ये देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको हमने लाइन जहाँ से है ना वहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जो इफेक्ट डाला है हमने, और इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और ये वाला पॉइंट है ना इसको हम यहाँ इधर कहीं ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये आपका पॉइंट बताएगा कि मतलब आपका जो है क्रो मतलब बनना स्टार्ट कहाँ से हो, एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से शुरू हो। अब यहाँ पर देखोगे ये लाइन के पास से जो है सर्कल राउंड होता दिख रहा है। अब इस इतना होने के बाद, उसके बाद इतना होने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास इफेक्ट प्रोजेक्ट फाइल में जाना है और जो साउंड इफेक्ट है आपके पास, यहाँ पे मेरे पास साउंड इफेक्ट है ये वाला, तो मैं ये वाला यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, तो मैं ये वाला साउंड इफेक्ट यहाँ से लगा लेता हूँ। आप मतलब इसमें देख सकते हो, ये आपका प्रोजेक्ट फाइल में फाइल मिल जाएगी, तो साउंड यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कौन सा साउंड अच्छा लगे और उसको लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा पहले आवाज़ पहले आ गई, और ये देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से जो है फिट कर लेना है। और यहाँ पे ये जैसे सर्कल आपका राउंड कंप्लीट हो, जो भी आपके पास जो है आइकन पड़े हो उसको आप लगा सकते हो। जैसे मैंने ये वाला आइकन इम्पोर्ट कर लिया और इसको छोटा करके जो है इसके अंदर जो है डाल लिया, इस सर्कल के अंदर डाल लिया। देखिए आपको फिर इस तरह का जो है एनिमेशन, आपको लाइन एनिमेशन भी दिख जाएगा और काउंटिंग एनिमेशन भी दिख जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप शुरू होता है, तो अब इस चीज़ को ख़त्म करनी है, तो हमने इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को हम जो है नेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर नेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर की फ्रेम लगाते हैं, यहाँ पे मोशन में आके और थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसको कर देते हैं ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप एक्स्ट्रा लगाना चाहो, अगर मान लो लाइन एनिमेशन एक और कुछ लगाना चाहते हो, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जहाँ से आप जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, वहाँ से आपका ये चीज़ जो है जहाँ से एनिमेशन लगाया है इसमें ख़त्म होने वाला, उसके की फ्रेम पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आप फिर से जो है एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से रेक्टेंगल में आके एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसमें भी आप लाइन ड्रॉ, इसको नीचे तक आपने कर लेना है, याद रहे इसको नीचे तक करना है, यहाँ तक कर लेना है। और इसका जो है यहाँ से आप स्टॉक की वैल्यू हटा के फिल की वैल्यू रख लोगे और इसको जितना चौड़ा करना चाहते हो कर लोगे। यहाँ काफ़ी पतला लग रहा है, तो यहाँ पे आपको जितना भी ठीक लगे कर लोगे, और इसको इसी लाइन के ऊपर रखना है पूरा, हाँ ठीक है, और इसको नीचे तक रखना है, याद करें सर्कल का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वहाँ तक आपने इसको रखना है।
और उसके बाद यहाँ से इसको आप जो है इफेक्ट कंट्रोल में आके क्रॉप सेलेक्ट क्रॉप सर्च करोगे क्रॉप, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे, फिर यहाँ पे इसको टॉप से क्रॉप करना है, की फ्रेम लगा लेना है। अब यहाँ पे जो आखिरी वाला की फ्रेम है ना इसका, वहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे आखिरी वाले की फ्रेम के पास जाना है जो आखिरी वाला की फ्रेम लगाया था। फिर यहाँ पे आने के बाद इसको जो है क्रॉप की वैल्यू आप बढ़ा के जो है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, आप क्या करोगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग की फ्रेम लगेगा ना हमारा, उसके अंदर इसकी वैल्यू जो है पूरा इसको क्रॉप कर दोगे। वैसे ये जो है मेरे में हो रहा है 70% तक क्रॉप हो रहा है। और इसके बाद आगे आने के बाद जो आखिरी वाला की फ्रेम लगाए जहाँ पे एनिमेशन ये वाला ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आओगे और इसको वापस से रीसेट कर दोगे। ठीक है, इसको रीसेट करने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन आपको दिखेगा, लाइन एनिमेशन, ये देखिए कुछ ऐसा, फिर ऐसा एनिमेशन आपको दिखेगा, ये लाइन इस तरह हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन काफ़ी नीचे लग रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को थोड़ा ऊपर करते हैं यहाँ पे, और ये हो गया। अब यहाँ पे लाइन ऊपर करेंगे ये वाली लाइन। ठीक है, ये तो जैसे ही ये क्रॉप वाला जो आखिरी वाला की फ्रेम होगा उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर आप मोशन वाले जो है पोजीशन को, आप पोजीशन वाले की फ्रेम को ऑन कर लोगे और थोड़ा सा आगे आना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे आना है, और यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लोगे जहाँ को, जहाँ पे आपको सही लगे, तो आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का आपका होगा। ठीक है, एनिमेशन इस तरह का होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और सर्कल आपने क्रिएट कर लेना है, सेम वही करना है, यहाँ पर एक और सर्कल, यहाँ पर, यहाँ पे लाइन जैसी ख़त्म हुई, एनिमेशन जैसी ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक और सर्कल आप क्या करोगे, इलिप्स टूल से बना लोगे, शिफ्ट प्रेस करना है और इस इलिप्स टूल से इस तरह का एक और सर्कल आपने क्रिएट कर लेना है इसको, और इसका पोजीशन वगैरह आप जहाँ रखना चाहते हो रख लोगे, और जितना छोटा करना चाहते हो इसको कर लोगे, और जैसे रखना है रख लोगे, और यहाँ पर ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है इसको सेंटर में रखोगे, और फिर इफेक्ट कंट्रोल में आओगे तो शेप का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आपको फिल की वैल्यू हटा के स्ट्रोक की वैल्यू जो है फिल कर लेनी है, और इसका जो पोजीशन है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे फिर से वही हो गया जो हमारा पहले गलती हुआ था, हमारा लेयर अलग से क्रिएट नहीं हुआ, इसके ऊपर ही आप इसके अंदर ही दो लेयर क्रिएट हो गए, तो हमने अलग से लेयर क्रिएट करनी है। तो लिफ्ट टूल को सिलेक्ट करोगे, कोई भी यहाँ पर लेयर आप सिलेक्ट नहीं करोगे, फिर यहाँ पर जो है सर्कल बना दोगे और इसको जो है जहाँ रखना है आप वहाँ रख लोगे, और इस एक सेंटर वाले पॉइंट को सेंटर में कर लोगे, और इसके बाद आप सिंपल वही करोगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, वही आप वीडियो ट्रांसमिशन में आओगे और आयरिस राउंड को इसके ऊपर लगा दोगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, और ये रहा आपका राउंड, और ये वहाँ से लाइन है जहाँ से, वहाँ से राउंड नहीं होना है, एनिमेशन इसमें शुरू नहीं हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना इसको आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, तो आपका जो है लाइन जहाँ से है वहीं से ये जो है सर्कल बनना स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर आपके पास कोई भी, आपके पास लोगो है, कोई भी आइकन है तो इसके अंदर लगा दोगे, मेरे पास ये वाला आइकन है तो मैं यहाँ पर ये वाला आइकन लगा देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है, इसको इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ से छोटा कर लेते हैं, यहाँ से छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इनको नेस्ट कर लेंगे, नेस्ट कर लेंगे, ओके, और नेस्ट करने के बाद इसमें भी एनिमेशन लगाएंगे, इसके टोंगल एनिमेशन को ऑन कर लेंगे मोशन वाले में, थोड़ा सा आगे आएंगे की फ्रेम लगा के, उसके बाद इसको फिर ऊपर कर देंगे यहाँ से ख़त्म। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह का आप एनिमेशन बहुत ही आसानी से इस तरीके से बना सकते हो। और एक तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट है जितने, उसको आपको प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा, उसको जहाँ जहाँ आपको यूज पड़ेगी, वहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आप जो है अपने साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हो, लगे कि यहाँ पे साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ यूज कर सकते हो। आपको सारे साउंड इफेक्ट जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, जो प्रोजेक्ट फाइल मिलेगा उसके अंदर, तो आप एनिमेशन देख सकते हो इस तरह का एनिमेशन, इस तरह का, तो ये एनिमेशन आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो गाइस आपने देख लिया कि हम इस तरह के एनिमेशन प्रीमियम प्रो में कैसे बना सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।